हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज सेकंड चैप्टर, एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम ऑफ द चैप्टर, वी आर गोइंग टू स्टडी टू थिंग्स इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट थिंग अबाउट फोर्स एंड द सेकेंड थिंग अबाउट फोर्स लॉज ऑफ मोशन। एज वी ऑल नो फोर्स, आई थिंक फोर्स के बारे में आप लोगों ने 8th क्लास में भी स्टडी किया होगा। कई तरह के फोर्स भी पढ़े होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, तमाम तरह के फोर्स आप लोगों ने स्टडी किए होंगे। तो फिर से बात करते हैं कि फोर्स आखिर होता क्या है। देखिए, हमारी डेली लाइफ में हम कई चीजों को पुश करते हैं, पुल करते हैं। अगर हम किसी गेट को ओपन कर रहे हैं, ओके, गेट को ओपन कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको पुल कर रहे हैं। अगर हम गेट को क्लोज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, गेट को पुश करते हैं। तो वेन एवर वी आर अप्लाइंग एनी पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड फोर्स। ओके, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं या ट्विस्ट कर रहे हैं, तो हम इन सारी ही बातों को क्या कहते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं। पहले बात तो ये ध्यान रखें, एनी पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स एक क्वांटिटी है, तो इसको मेजर भी किया जा सकता है, इसकी कोई ना कोई ऐसा यूनिट भी होनी चाहिए। तो हम बताते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेस न्यूटन, सर इसाक न्यूटन के बारे में आप लोग जानते हो, दर्शन कर सकते हो, है ना। दर्शन करिए, उनको देखिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी, कितने सारे काम किए थे फिजिक्स में, मैथ में। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन होती है। अब ये न्यूटन क्यों है, इसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो टू थिंग्स आर क्लियर। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज फोर्स, यानी पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। एंड सेकंड थिंग, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। थर्ड थिंग यू शुड रिमेम्बर अबाउट फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ फोर्स कैन डू। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स आखिर कर क्या सकता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। ओके, तो फर्स्ट थिंग, सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ओके, एक बॉल रेस्ट में लगी हुई है, एक प्लेयर आता है उसको किक करता है, किक करने का मतलब फोर्स लगाया उसने, तो बॉल क्या हो जाएगी, बॉल मोशन में आ जाएगी। मीन्स आई कैन से ए बॉल फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अगर फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को चेंज कर सकता है। मीन्स फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हो ना, रुका हुआ जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसको हम कहते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फोर्स क्या कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में बॉलर बॉल करता है तो जैसे ही बैट्समैन क्या करता है, उसको हिट करता है, तो बॉलिंग की डायरेक्शन स्ट्रेट है, बॉल स्ट्रेट आ रही है, लेकिन जैसे ही बैट्समैन ने उस पर फोर्स लगाया तो बॉल की डायरेक्शन की, बॉल की मोशन की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। दैट्स व्हाई आई कैन से अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। थर्ड पॉइंट यू शुड रिमेम्बर अबाउट फोर्स इज दैट फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी को भी चेंज कर सकता है। जैसे एक बॉल या फिर बैडमिंटन आप लोग खेल रहे हो, बैडमिंटन में जब आप शटल को हिट करते हो तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बदल जाती है, दोनों चीजें बदल जाती हैं, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। आप ज्यादा फोर्स लगाओगे शटल ज्यादा स्पीड से आगे जाएगी, कम फोर्स लगाओगे कम स्पीड से आगे जाएगी। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, वन पॉइंट यू शुड रिमेम्बर इज दैट फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको साइज चेंज करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। आप एक चौक लो, चौक को ब्रेक कर दो फोर्स लगा के, तो एक चौक से दो चौक बन जाएंगी। तो ऐसा जादू आप लोग करके देखिए, फोर्स लगाइए और ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करके देखिए। द लास्ट थिंग अबाउट फोर्स इज दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास में एक बलून है, बलून पर आप फोर्स लगाते हो तो बलून की शेप क्या हो जाएगी स्टूडेंट, चेंज हो जाएगी। तो ये सारे आप लोगों को पॉइंट ध्यान रखने हैं कि फोर्स क्या क्या ऑब्जेक्ट में पॉसिबिलिटी कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज
द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, और अगर मोशन में चल रहा है तो उसको रेस्ट में भी लाया जा सकता है बाई अप्लाइंग फोर्स। दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट फोर्स।